अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शेंजन विजिट वीज़ा की। शेंजन वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जो लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। किसी को 20-25 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मुनासिब कंसल्टेंसी फ़ी के साथ मैं आपको वीज़ा अप्लाई करके दूंगा। आप चाहे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, या आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कहीं भी आप मौजूद हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है इकबाल मोहसिन 666, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं शेंजन वीज़ा की। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अप्लाई करने के तरीक़ाकार पे पहले बात करते हैं। इसके लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको दो फोटोग्राफ्स चाहिए, वाइट और ग्रे बैकग्राउंड के साथ। जो आपका फ़ोटो है उसका 80% जो है आपका ये फेस उसमें होना चाहिए, बाकी 20% यहाँ तक तकरीबन फ़ोटो आपका होना चाहिए। उसमें कोई स्माइल एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपने ग्लासेस भी उतार देनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 1 ईयर वैलिड होना चाहिए। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस मैं आपको AX से शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और आपका इंश्योरेंस कवर 30,000 यूरो मिनिमम होना चाहिए और ये सारे शेंजन कंट्रीज़ के लिए वैलिड होनी चाहिए। आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, अगर आपका किसी शेंजन कंट्री में जहाँ का आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आपका कोई रिलेटिव मौजूद है, वो आपको इनविटेशन लेटर देते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन नहीं चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो आप अपने थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होटल की बुकिंग चाहिए। होटल की बुकिंग फ्री कैंसिलेशन के साथ भी हो जाती है, प्लस किसी भी कंसल्टेंट के पास भी आप चले जाएँ तो वो आपसे मुनासिब 1,000-2,000 में आपको बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंड्स की। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मिनिमम 8,000 यूरोस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट अप्लाई हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपने साथ लगाना है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है जो, आपकी 6 सैलरी स्लिप्स, प्लस आपने आपने जो कंपनी है उससे आपने NOC लेना है कि आप इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी इन दिनों में हॉलीडेज़ हैं, आपकी कंपनी को इसमें कोई इशू नहीं है। जो लोग सऊदी अरब दुबई में मुकीम है उनको भी अपने कफील या कंपनी से NOC लेना पड़ेगा कि आप इन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं। जिन लोगों का अपना बिजनेस है उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है जो, वो उन्होंने साथ अटैच करना है। आपने बिजनेस बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल दोनों आपने अटैच करनी है। टैक्स रिटर्न्स आपने साथ अटैच करने हैं। उसके बाद रिटर्न टिकट, रिटर्न टिकट किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप डमी टिकट ले सकते हैं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि आपको सिर्फ ट्रैवल इंटरनरी के लिए चाहिए। उसके बाद कवर लेटर, कवर लेटर में आपने सारा मेंशन करना है कि आपने शेंजन, किस शेंजन कंट्री में एंट्री करनी है और कहाँ से एग्ज़िट करना है। इसके दरमियान आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है और इससे पहले आपने कौन सी जगह विज़िट की हुई है और आप इस वक्त शेंजन कंट्री इस क्यों विज़िट करना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि आपने उस शेंजन कंट्री की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है जहाँ से आपने शेंजन से एग्ज़िट करना है, जहाँ से आपकी वापसी की टिकट है। अगर उस कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपके कंट्री में मौजूद नहीं है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी और शेंजन कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले उस कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग यूरोप पहुंचने के लिए
कुछ डंकी लगाते हैं, कुछ 40 40 50 50 लाख भी दे के आते हैं, लेकिन जो सीधा तरीका है उससे लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं। जो ख़ास तौर पे जो लोग मिडल ईस्ट में मुकीम हैं उनके लिए शेंजन वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। दुबई में कोई भी बंदा मौजूद है और उसकी अर्निंग 2000 दिरम से ऊपर है, या सऊदी अरब में मौजूद है 2000 रियाल से उसकी अर्निंग ऊपर है, तो उसके लिए ये वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिल वक्त इतना ही, फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।